हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुकीम खान, आप सभी को आपके एग्ज़ाम्स के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और बच्चों, एक बात बताना चाहता हूं कि एग्ज़ाम में पैनिक सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब एग्ज़ाम देंगे, हो सकता है कि आप पहला दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन में आपको लगे कि यार ये तो बहुत अच्छे से टॉपिक तैयार था, और इस टॉपिक को मैं जो है अब अटेंड करने जा रहा हूँ, और ये इसका सवाल तो अटक रहा है मुझसे, ये तो होना ही चाहिए था, तो ये एक प्रेशर क्रिएट होता है। तो जब आप पेपर देंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपसे किसी क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक तो हमने बहुत अच्छे से किया था लेकिन ये नहीं हो पा रहा है, तो आप उसके लिए ये नहीं कि भाई इसमें बहुत मेहनत की थी तो इसको तो होना ही चाहिए। ऐसी सिचुएशन कई बार आती है और हम पता लगा पूरा पेपर जो अच्छे से कर सकते थे वो पेपर हमसे नहीं हो पा रहा, अब हम उस पैनिक में फंस के क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चंस को मैं उलझ जा रहे हैं। उलझना नहीं है, जो क्वेश्चन आपको आसान लग रहे हैं आप उनको आराम से ट्राई करो, उन पर पहले फोकस करो, उनको करते हुए आगे चले जाओ। जो आपको लग रहा है कि कई बार फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया तो उसको आपको अब फार्मूला ध्यान नहीं आ रहा, अब फार्मूला ध्यान नहीं आ रहा पजल, अब परेशान कि भाई साहब अब क्या होगा, है ना। तो उसमें क्या है, कुछ नहीं करना, उसमें एफ लिख के आगे बढ़ जाना है कि भाई ये क्वेश्चन एफ नंबर लिख दिया आपने, वो कठिन है या फार्मूला याद नहीं आ रहा, आप उसको आगे देख लोगे। बढ़ते जाओ, आगे करते जाओ, पूरे पेपर थोरोली आराम से करो, जो जो हो रहा है पहली बार में उसको करते जाओ, जो टफ है उनको छोड़ते जाओ, और जो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है उन पर एफ एफ लिखते चले जाओ। इस टेक्निक में क्या होगा कि जब आप रिवाइज करोगे तो जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कई बार नहीं आती हैं चीज़ें याद, लेकिन सेकेंड राउंड में वो चीज़ें याद आ जाती हैं। तो पहले आप क्वेश्चन को देखें, फिर लास्ट में टफ क्वेश्चन पर जाएँ। खैर, स्ट्रेटेजी आपके पास अपनी जो भी बने प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिलैक्स होकर पेपर देना है, कोई प्रेशर नहीं लेना है, एकदम मस्त होकर पेपर दो, रिलैक्स बिंदास, बिना कुछ सोच के एकदम मस्त होकर जाओ कि हाँ ठीक है यार, अपन को तो अपन ने इतने सारे एग्जाम दिए, इसमें टेंशन नहीं लिया तो इसमें क्या लेना, ठीक है। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक शेर मेरे को याद आ रहा है जो मैंने कहीं सुना था कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट।